इस गंभीर बीमारी से अभी जूझ रही सारा अली खान वजन बढ़ने से दिखने लगी थी। ऐसी एक ट्रेस सैफ अली खान की 25 वर्षीय बेटी सारा अली खान फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। फिल्म इस साल 7 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। बॉलीवुड में आने से पहले सारा अली खान ने खुद के लुक्स पर जमकर पसीना बहाया। सारा का वजन करीब 96 किलो था। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण में किया। फिल्म से पहले सारा का लुक पहले बिल्कुल बदला हुआ था। सारा ने बताया कि वो एक बीमारी से पीड़ित हैं जिसके चलते उनका वजन काफी बढ़ा हुआ था। इस बीमारी में वजन घटाना सबसे मुश्किल होता है। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो उस वक्त उनका वजन 96 किलो था। दरअसल सारा को PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बीमारी है। उन्होंने कहा कि मैं 96 किलो की थी और मुझे PCOS था, अब भी है। इसकी वजह से बहुत वजन बढ़ गया था और मेरे लिए वजन कम करना बड़ी चुनौती थी। बता दें कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बीमारी बचकर 10 में से एक लड़की को होती है। इस बीमारी में लड़कियों या महिलाओं के ओवरी में हर महीने जरूरत से ज्यादा एग्स बनने लगते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ने से ओवरी में एक्स्ट्रा एग्स जमा होने लगते हैं जो सिस्ट बन जाते हैं। ऑपरेशन के बावजूद ये सिस्ट बन जाता है। बहरहाल सारा ने अपनी बीमारी के लिए खास ध्यान दिया और इसका जमकर मुकाबला किया, जिसका नतीजा रहा कि वो आज बिल्कुल फिट नजर आती हैं। केदारनाथ की बात करें तो फिल्म को अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में केदारनाथ त्रासदी की तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाएगी। फिल्म के ट्रेलर के साथ दो गाने भी रिलीज किए जा चुके हैं। फिल्म के ट्रेलर और गानों को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।